मैं हूं सैयद अखिल। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभणी जिले के जिंतूर तालुके के मारवाड़ी इस गांव में जिस तरह से किसानों को फंसाया गया है बीज कंपनियों की जानिब से, बीज कंपनियों का हुआ यह कि इन्होंने जिस तरह से यहां पर सोयाबीन का बीज दिया था और ये बीज का रिजल्ट नहीं आने की वजह से किसान हो गए परेशान, और किसान परेशान होने की वजह से इनका एक तो बीज का पैसा गया, दवाई का पैसा गया, खेती को बोने का पैसा गया और खेती में मशक्क़त करने का पैसा गया। उसके बावजूद किसानों का जिस तरह से नुकसान हुआ है लाखों रुपये का, जो प्रॉफिट होना था बीज से, जिस तरह की फसल आना था वो फसल नहीं आने की वजह से किसान परेशान हो गए हैं और उन्होंने परभणी ज़िले के कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर यहाँ पर बैठा आंदोलन किया, और बैठा आंदोलन उस वक्त तक किया जब तक यहाँ के कृषि अधिकारी से इनकी मुलाकात नहीं हुई, और मुलाकात होने के बाद में इन्होंने ये बात कही कि जब तक इन कृषि अधिकारियों ने जब तक इन बीज कंपनियों पर गुनाह दाखिल नहीं किया, जब तक गुनाह दाखिल नहीं करते तब तक हम लोग आंदोलन ही करेंगे, हमें सिर्फ हमेशा आश्वासन ही दिया जा रहा है और इस आश्वासन को अब हम नहीं मानेंगे, ऐसा भी किसानों ने कहा है। और किसानों ने ये बात कहने के बाद में नारेबाजी करते हुए कृषि अधिकारी लोखंडे इनके कैबिन में ही बैठा आंदोलन किया है। आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और आंदोलनकर्ताओं की क्या मांगनी है। शेतकरी संघटनेचा जिंदाबाद जिंदाबाद। भेसळयुक्त बियाणे विकणाऱ्या बोगस कृषीधन कंपनीवर गुन्हा दाखल। बोगस भेसळयुक्त बियाणे विकणाऱ्या कृषीधन कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा। मारवाड़ी तालुका जिंतूर येथील शेतकरी काही शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आज येथे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या कार्यालयामध्ये धरणे देऊन बसलो होतो। तर त्या संदर्भामध्ये विषय असा आहे की जे कृषीधन कंपनीचं भेसळ बियाणे प्रकरण हे बऱ्याच दिवसापासून जे काही चालू आहे, एक महिन्यापासून शेतकरी त्या प्रकरणा म्हणजे त्या बियाण्याच्या ते भेसळ प्रकरणापासून धास्तावलेले। तर त्या प्रकरणामध्ये न्याय मिळाव शेतकऱ्यांना, जे काही त्यांचं आर्थिक नुकसान झाले आणि जे काही फसवणूक झाली त्या बियाण्याच्या माध्यमातून, तर त्यामध्ये आज जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी त्या संदर्भामध्ये आश्वासित केलं आहे, शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं की सदरील कंपनीचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची एक मीटिंग लावून व त्यांचे जे वितरक आहेत बियाण्याचे वितरक यांची मीटिंग लावून सदरील शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई संदर्भामध्ये तात्काळ मदतीसाठी कृषी अधीक्षक यांनी तात्काळ बोलतो म्हणले। आणि दुसरी गोष्ट की जे काही फसवणूक झालेली त्या फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये त्या कंपनीवर रितसर 400 फसवणूक अधिनियम जे काही 420 या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ जे काही त्यांचे कृषी संचालक आहेत त्यांच्याकडे लेखी तक्रार करून त्यांची परवानगी घेऊन रितसर फौजदारीचा स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करू असं आश्वासन दिल्याच्या नंतर शेतकरी व शेतकरी संघटनेचं जे काही धरणे आंदोलन त्यांच्या दालनामध्ये होतं। मारवाडी येथील तालुका जिंतूर येथील शेतकरी या ठिकाणी कंपनी कृषीधन आहे, कृषीधन सीट प्रायव्हेट लिमिटेड दालना, या कंपनीच्या मार्फत जे बियाणं खरेदी केलेलं होतं त्या बियाणामध्ये भेसळ झाल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त होत्या। त्या अनुषंगाने आमची बियाण्याच्या बाबतीत किंवा या अनुषंगाने जी समिती आहे शासनाने नियुक्त केलेली, त्या समितीचे प्रमुख आहे उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी जवळपास 10 तक्रारीची शहानिशा केली आणि त्याची शहानिशा करून आमच्याकडे अहवाल प्राप्त झाला। आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगानं जे शेतकरी प्रतिनिधी आहेत किंवा शेतकरी संबंधित त्यांनी बियाणं उत्पादन कंपनी जे कृषीधन सीड्स आहे त्या कंपनीचे कंपनीवर
जी काही कायदेशीर कारवाई, जसे की आपलं बियाणे अधिनियम 1966 आणि 1983 या तीन तरतुदीच्या अंतर्गत जी कारवाई आपल्याला करता येते कृषी विभागाला, त्या कारवाईच्या अनुषंगाने आपण कारवाई सुरू केलेली आहे. आणि समितीचं जे म्हणणं आहे किंवा त्याच्यावर पुढील फौजदारी काय कारवाई म्हणा किंवा त्या कारवाई, त्या अनुषंगानं आम्ही शेतकरी बंधूंचं जे म्हणणं आहे की ते म्हणणं आम्ही आमच्या वरिष्ठांना तात्काळ करू आणि त्याबद्दल योग्य ते निर्णय जो येईल त्यानुसार पुढील कारवाई. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परवन आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन से देखिए 24/7 माधा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर, मैं हूँ सैयद अखील, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें. मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890032128. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याद है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 9420626219.